पास ऑक्सीजन नहीं बची, बेड नहीं बचे, वेंटिलेटर नहीं बचे, तो हमें यह सीखना है कि हम कोरोना को पहले से कैसे पहचान लें और वहीं पर रोक लें, ताकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, अस्पताल की ज़रूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि कोरोना जब आपके शरीर में चला जाता है अंदर, उसमें शुरू के 5 दिन में हल्का बुखार रहता है, पता भी नहीं चलता, 98, 99। 5 दिन तक बहुत धीमा धीमा बुखार रहता है। छठे दिन कोरोना आपकी घंटी बजाएगा बहुत ज़ोर से दरवाजे पे कि अब मैं आपके फेफड़ों में घुसने वाला हूँ, आप कर लो। वो जो घंटी है वो बुखार 6ठे दिन आपका 102, 103 पहुंच जाएगा। जो हल्का बुखार था वो बहुत तेज बुखार हो जाएगा। जब 102, 103 बुखार हो जाए तो समझ लो कि अब ये हमारे फेफड़े में चलने वाला है, घुसने वाला है। उसी समय जैसे आग में पानी डालते हैं ना, 6ठे दिन उसी समय अगर हम ट्रीटमेंट इसका कर देते हैं तो ये वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद ना हमें अस्पताल जाना, ना ऑक्सीजन लेनी। हो ये रहा है कि कोरोना 6ठे दिन घंटी बजाता है, टेम्परेचर 103 जाता है और हम इग्नोर कर देते हैं, घंटी को सुनते ही नहीं है। और 10वें दिन फेफड़ा 60%, 70% ख़राब हो जाता है। अभी 2 दिन पहले ओमेक्स परिवार के एक बच्ची आई, वो टेलीफोन किया तो उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 आ गया था, 93 खतरे की घंटी है। अगला स्टेप है कि ऑक्सीजन चाहिए उसको। लकीली उसको उसी समय दवाई दी, एक ऑक्सीजन भी अरेंज करी, पब्बी भाई ने उसके लिए शुगर की ये शुगर नापने वाली दवाई अरेंज करी। अब उसका 96, 97 चल रहा है, खतरे से बाहर आ गई वो, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गई थी। तो कोशिश ये करें कि सबके सब अपने परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को ये समझाएं कि 6ठा दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन हल्का बुखार आया दिन गिनना शुरू कर दो, 5वां दिन, 6ठा दिन। अगर 5वें 6ठे दिन बुखार ख़त्म हो गया तो आप वैसे ही खतरे से खाली है, खतरा आया ही नहीं आपके पास, आगे बढ़े ही नहीं। और अगर 5वें 6ठे दिन के बाद बुखार तेज हो गया तो सोचो खतरा आ गया। तो 85% जो लोग हैं, 85% लोगों में 5 दिन तक हल्का बुखार आएगा बस, या 2 दिन का बुखार आएगा बस, फिर कुछ नहीं होगा। 85% लोगों में तो ये कुछ करेगा ही नहीं। 15% जो लोग बचते हैं, 15% लोग वो है जिनको ये खतरे की घंटी देता है 6ठे दिन। खतरे की घंटी बुखार तेज, और उनमें और भी खतरा है जिनको शुगर है। कोरोना और शुगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। शुगर बढ़ेगी तो कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो जैसे ही आपको हल्का कोरोना हो जाए, आप सबसे पहले काम ये करें, अपनी डाइट में से शुगर निकाल दें। चावल बंद, चपाती बंद, आलू बंद, शुगर बंद, चाय भी बिना शुगर के। 10 दिन तक बिल्कुल शुगर के हाथ ना लगाए। शुगर बढ़ेगी तो कोरोना बढ़ेगा। अब कोरोना के 2 रूप हैं, एक तो जैसे होता है कोबरा सांप, कोबरा एक बार डंक मारता है और बस वहीं ख़त्म कर देता है। दूसरा है पाइथन, धीरे धीरे स्ट्रेंगुलेट करता है। तो आजकल 2 तरीके के कोरोना इंडिया में फैले हुए। 6ठे दिन पे बुखार 103 हुआ, 3 दिन के अंदर अंदर वो आपका 50% फेफड़ा ख़राब कर देगा, ये तो कोबरा वाला रूप है। 3 दिन में आपको वो 50% डैमेज कर देगा। दूसरा रूप यह है कि 6ठे दिन के बाद धीमे धीमे फेफड़ा ख़राब कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, जैसे पाइथन धीरे धीरे स्ट्रेंगुलेट कर रहा। तो 6ठे दिन के बाद आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है कि अगर बुखार 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन है तो सोचो ये डैमेज कर रहा है। जिनका बुखार 5 दिन के अंदर अंदर उतर गया, जैसे पब्बी का उतर गया, सुबह बात हो रही थी, जिनका 5 दिन में बुखार उतर गया वो तो बाहर हो गए इससे, खतरे से।
और जिनका 5 दिन के बाद बुखार चल रहा है तो धीरे धीरे ये फेफड़ों को खराब कर रहा है। तो जितने भी आपके आसपास के लोग हैं जिनको 5 दिन से ज़्यादा बुखार हो गया, उनको आप मेरे से कनेक्ट करें। और बहुत सिंपल इलाज है, एक एक दो दो तीन तीन दिन की दवा में वो सब ठीक हो जाएगी। और जिनका 102 103 पहुंच गया, उनको एक हफ्ता 10 दिन दवाई खानी पड़ेगी बस। तो दो रूप समझ लें, एक रूप है पाइथन वाला, एक रूप है कोबरा वाला। कोबरा वाला जो रूप है वो खतरनाक है, उसमें एक दिन की देरी ना करें, एक दिन की भी देरी देर हो जाएगी। उसको 5वें 6वें दिन पे ही हमें रोक देना है। अब इसको रोकते कैसे है ये समझ लें आप। इसको रोकने का जो तरीका है बहुत आसान है। मार्च और अप्रैल 2020 में हम लोगों ने एक रिसर्च टीम बनाई थी, उसमें बॉम्बई से भी एक डॉक्टर थे। तब ये नहीं पता था कि इसमें कौन सी दवा काम करेगी, किसी को नहीं पता था। अचानक हमारे पास 4 मरीज जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी बॉडी से जब पोस्टमार्टम किया तो उनके फेफड़ों में जाके पता चला कि वहाँ पे खून के छोटे छोटे थक्के बन रहे थे फेफड़ों में, मरने के बाद पता चला पोस्टमार्टम में। तब ये समझ में आया कि अगर हम इस दवा स्टेरॉइड देंगे तो ये फेफड़ों को बर्बाद नहीं कर पाएगा, मार नहीं पाएगा कोरोना। तो जैसे ही स्टेरॉइड टेस्ट किया इंग्लैंड में, मार्च से लेकर जून तक 3 महीने में रिसर्च पूरी होगी, तो पता चला कि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। ये स्टेरॉइड ऐसे है जैसे आग में पानी डाल देते हैं। तो स्टेरॉइड और ऑक्सीजन केवल 2 ही दवा है इसकी, बाकी जो रेमडेसिविर प्लाज्मा थेरेपी ये सब गलत है, किसी का कोई असर नहीं होता। सब जो है मार्केट में फैलाई हुई है डॉक्टर्स के द्वारा, दवाई कंपनी के द्वारा। केवल 2 दवा है, एक स्टेरॉइड जो मेड्रोल के नाम से आती है और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे भी ना जा पाए हमें ये कोशिश करनी है। अगर मेड्रोल हम 6वें दिन शुरू कर देते हैं या 7वें दिन शुरू कर देते हैं तो मैं लिख के देता हूँ पूरी दुनिया के सामने, ना तो किसी की डेथ होगी, एक भी मरीज मर नहीं सकता और ना उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। गलती हमसे ये हो रही है कि 6वां दिन पहचान नहीं पा रहे, ना मरीजों को पता ना डॉक्टर्स को पता। 10वें दिन 12वें दिन आधे से ज़्यादा फेफड़ा ख़राब हो गया, फिर अस्पतालों में भी जगह नहीं। अगर हम 6वां दिन पहचान लें, 6वें दिन मेड्रोल दे दें, मैं इसको लिख के देता हूँ, आप मेरे को कहीं भी किसी भी कोर्ट में ले जाना, ना कोई डेथ हो सकती और ना कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ना अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी, एक छोटा सा वायरस है बस। तो हमारे सारे जो मरीज़ है, ईश्वर की कृपा से हमारी जो टीम काम करती है, हम 6वें दिन पर पहचान लेते हैं। और हमारी टीम में ऐसे ऐसे मरीज़ हैं जो पहले ठीक हो चुके हैं, वो दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। रोज़ 5-6 मरीज़ों को लेकर आते हैं हमारे पास और टेलीफोन पर हम ठीक कर देते हैं। तो इसमें आप सब लोग भी इस चीज़ को सीख जाएं कि 6वां दिन सबसे इम्पोर्टेंट है जान बचाने के लिए। 6वें 7वें दिन केवल मेड्रोल है स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड जैसे ही शुरू करते हैं, आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जिन्होंने लिया है मेड्रोल लेते ही एक तो बुखार भाग जाता है, मेड्रोल लेते ही ऑक्सीजन का सेचुरेशन बहुत अच्छा हो जाता है। वो जो बच्ची थी 3 दिन पहले आई थी, आज 97 है, 3 दिन पहले 93 था। और स्टेरॉइड लेते ही अंदर की भूख भी नॉर्मल हो जाती है। तो स्टेरॉइड लेना 6वें 7वें दिन ज़रूरी है। और स्टेरॉइड कितने दिन तक लेना है और किस खुराक में लेना, ये आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी। इसमें ज़्यादातर ये वायरस हमारे शरीर में घुसने के 10 दिन तक रहता है बस जिंदा। 10 दिन बाद अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा तो वो मरा हुआ वायरस है, जिंदा नहीं है। जब ये वायरस हमारे शरीर में घुसेगा 10 दिन में हमेशा कंप्लीट मर जाएगा ये, फिर जिंदा नहीं बचता। तो ज़्यादातर इलाज हम 10 दिन तक देते हैं। कुछ लोगों में 10 दिन से ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है जिनके फेफड़े ज़्यादा ख़राब हो गए।
10 दिन बाद में हमारी बॉडी इसको मार के शरीर से बाहर निकाल देती है। अब इलाज को और अच्छी तरह से समझो, इसका इलाज इस तरीके से है जैसे कि घर में 10 कमरे बने हुए और एक कमरे के छोटे से हिस्से में आग लगी, अगर उस पर उसी समय हमने 1 बाल्टी पानी डाल दिया तो आग बुझ गई, और अगर हमने देखा नहीं है तो एक कमरे से दूसरे में, उस समय बाल्टी से पानी नहीं चलता, फिर तो आपको फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। तो सबके साथ यही हो रहा है, जितने भी कोरोना के मरीज है 6ठे दिन उनको पता नहीं चलता, 10वें दिन आग इतनी फैल जाती है फेफड़े गलने लगते हैं। तो आग में पानी डालने की जो दवा है वो है स्टेरॉइड, मेड्रोल के नाम से आती है इंडिया में। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 2-3 दिन में मेड्रोल जो है, मुझे जो लग रहा है, वो इंडिया में ख़त्म हो जाएगी मार्केट से। ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि जब भी अभी मैं मरीज को बोलता हूँ तो मिल ही नहीं रही कहीं पे। तो मेड्रोल सबसे सस्ती दवा है, महंगी नहीं है, 3-4 रुपए की कुल आती है गोली। तो वो जो लोग इन्फेक्टेड है वो अपने घर में संभाल के रखे इस दवा को। बस इतना मेरे से पूछ लो कितने दिन लेनी, कितनी डोज लेनी मेड्रोल। जिनको शुगर है उनकी शुगर की दवा जब तक ये इलाज चलेगा बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो 1 गोली खा रहे तो हो सकता है उन्हें 2 गोली देनी पड़े बस। जब इलाज ख़त्म हो जाएगा शुगर वापस वहीं आ जाएगी जहाँ पहले थी। तो शुगर वाले को इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि शुगर की दवा बढ़ानी पड़ेगी। जिनको ब्लड प्रेशर है, इसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है तो ब्लड प्रेशर की दवा बहुत थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है बस। तो ओवरऑल जो इलाज है वो 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 6ठे दिन में जिसका इलाज हो जाएगा वो खतरे से खाली, उसको खतरा नहीं आएगा बिल्कुल भी। जो जितना देर से आएगा, जो जितना लेट आएगा, उसका खतरा उतना ही ज़्यादा है। ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर आपका 93 से नीचे है तो आप डेंजर लाइन से पानी ऊपर चला गया बाढ़ का जैसे होता है ना, आप खतरे में आ गए। 93 से नीचे मत आने दो। 93 से ऊपर रखने के लिए उपाय यह है कि समय पे मेट्रोल शुरू कर दो। इसमें जो सवाल यह है कि इतनी सारी डेथ क्यों हो रही, क्योंकि मरीजों को ये पता ही नहीं है कि हमारा दिन कौन सा है, मरीजों को ये पता ही नहीं कि हमारे फेफड़ों में पहुंच गया नहीं पहुंच गया, मरीजों को ये पता ही नहीं है कि फेफड़ों में पहुंच गया तो कितना फेफड़ा ख़राब हो गया हमारा, मरीजों को ये पता ही नहीं है कि दवा कौन सी लेनी है। सारे के सारे डॉक्टर्स ने 15-15 लिस्ट बना दी दवाइयों की, और वो दवाइयाँ एक डॉक्टर दूसरे को कट एंड पेस्ट चल रहा, वो नर्सों को पकड़ा देते हैं, डॉक्टर मरीज के पास भी नहीं आता, टेलीफोन किया नर्स ने वो दवाई दे दी। अब उनमें एक भी दवा काम की नहीं है, उनसे पेट और ख़राब हो रहा है, किडनी ख़राब हो रही। तो इसमें क्या हो गया कि अंधविश्वास सबसे तेज़ी से फैलता है। अंधविश्वास में ये रेमडेसिविर जो है दुनिया में बंद है दवा, WHO ने कह दिया इसको नहीं दे सकते, लिख के दे दिया September 2020 में, और हमारे इंडिया में इसका 1-1 लाख में ब्लैक हो रही, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अंधविश्वास ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और अंधविश्वास ने हमारे जो है ना 1/3 बीमारी को बढ़ा दिया। इतने मरीज अस्पतालों में ना होते अगर ये अंधविश्वास ना होता। अब 2-3 दिन से मैंने देखा कि डॉक्टर्स की टीम सब आके अखबारों में बता रहे हैं कि भाई ये रेमडेसिविर का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब अंधविश्वास इतना फैल गया उसको दूर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैन कोरोना वायरस री इन्फेक्ट द पेशेंट आफ्टर अर्लियर इन्फेक्शन एंड रिकवरी? यस, आफ्टर 6 मंथ आराम से जो एंटीबॉडी बनती है 6 महीने बाद ख़त्म हो सकती है, कुछ लोगों में 1 साल तक चलती है। तो आप ये ना सोचो कि आपको एक बार कोरोना हो गया पूरी ज़िंदगी दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, 6 महीने 1 साल बच सकते हैं बस आप। सर एक और क्वेश्चन है, somebody who is infected and positive after recovery, how many days he she can get vaccinated? Yes, आप उसको ना, क्योंकि जैसे वो इन्फेक्टेड हुआ उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी तो बन गई, तो आपको वैक्सीनेशन अगर 3 महीने बाद ले लें, 8 हफ्ते बाद, 12 हफ्ते बाद, वो बेटर है, क्योंकि वो तो 3-4 महीने तो ऑलरेडी एंटीबॉडी है आपकी,
फीवर इज द ओनली सिम्टम. वेरी गुड. जो इसके सिम्टम्स है 90% लोगों में होंगे सिम्टम्स. फीवर होगा हल्का, गले में खराश हो सकती है, उसके साथ में शरीर में दर्द हो सकता है और टेस्ट चला जा सकता है. कुछ लोगों में जो टेस्ट होता है ना खाने का वही नहीं पता चलता, कुछ लोगों में स्मेल नहीं पता चलेगी. ये सिम्टम्स ज़्यादातर है. और बच्चों में जो 20 साल से कम है, 17 साल से कम है, उनमें डायरिया होगा, पेट में उल्टियाँ होगी और स्किन के ऊपर रैश आ जाएंगे, लाल लाल धब्बे आ जाएंगे स्किन पे. और बच्चों में हेडेक बहुत होगा. तो बच्चों के सिम्टम्स अलग है, बड़ों के अलग है. बड़ों में बुखार और गले में खराश, शॉर्ट थ्रोट, उसके साथ साथ शरीर में टूटापन, कमजोरी, हेडेक, ये सिम्टम्स है बड़ों के. लेकिन बड़ों में दो चीज़ें कई बार मिल जाती है कि स्वाद टेस्ट चला जाता है या स्मेल चली जाती है. सर एक और क्वेश्चन है, हाउ मच एमजी ऑफ मेड्रोल वन शुड यूज? हाउ मच एमजी ऑफ मेड्रोल? मिलीग्राम. ओके, देखो हाँ, 32 मिलीग्राम तो लोवेस्ट डोज है. 32 मिलीग्राम लोवेस्ट है, इससे कम तो ये काम करती नहीं है ज़्यादातर. अभी मेरे पास बहुत सारे मरीजों के ऐसे आ रहे हैं कि वो 4-4 मिलीग्राम दे रखी है डॉक्टर्स ने, तो वो तो दो या ना दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. उसके बाद आगे जो हम बढ़ाते हैं, इस पे बढ़ाते हैं कि कितने परसेंट फेफड़ा आपका काम कर रहा है. अगर आपका 50% फेफड़ा चला गया, काम नहीं कर रहा, तो हम मेड्रोल को 1 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 100 किलोग्राम का आदमी है तो उसको 200 मिलीग्राम तक जा सकते हैं आराम से. डॉक्टर साहब, क्या खाने में, लिक्विड में क्या लेना है, कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक है इसमें? हाँ, जब आपको कोरोना हो जाए, सबसे पहले तो आप अपनी चपाती बंद कर दो, पोटैटो बंद कर दो, चावल बंद कर दो, चाय में चीनी बंद कर दो, और सूप लो, ज़्यादातर सूप लो, नारियल का पानी लो, जूस लो, और नट्स खाओ. जैसे नट्स में मूंगफली है, बादाम है, इस तरह की चीज़ें, पालक का साग. सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें याद रखो. एक तो इन्हेलर यूज करना जो मैं बता रहा हूँ. दूसरा ये कि आधे घंटे एक्सरसाइज, जो आप जिंक फोर्ट कह रहे हैं, विटामिन सी, उनसे अच्छा है कि आधे घंटे एक्सरसाइज, चाहे वॉक कर लो आधे घंटे डेली, वो आपके इम्यूनिटी को पावरफुल रखेगा. जो इन्हेलर लेंगे वो आपके फेफड़ों को पावरफुल रखेगा. घुसता है ये फेफड़ों के थ्रू, तो फेफड़े भी पावरफुल है और आपका शरीर भी पावरफुल है. दोनों चीज़ें बहुत ही आसान है रोकने के लिए आगे से. और तीसरा वैक्सीन, जिसने वैक्सीन ले लिया 90% सेफ हो गया. और जो डेली आधे घंटे एक्सरसाइज कर रहा है वो 95% सेफ हो गया. जो इन्हेलर भी ले लेता है, तो दिल्ली में तो खासकर जितना पोल्यूशन है, तो उसके फेफड़े भी पावरफुल रहेंगे. ये तीनों चीज़ें कर ले तो ये रोकथाम क्या है इसका. और डबल मास्क लगा के निकलें घर से, डबल मास्क. एक अकेला मास्क लगाओगे तो 60% प्रोटेक्शन है, दो लगाओगे तो 94% प्रोटेक्शन है. दूसरा, जब भी एसी कार में बैठो तो उसकी विंडो खोल दो, क्या पता कि कोई उसमें पहले बैठा होगा और उसके वायरस घूम रहे, अगर वो इन्फेक्टेड था. घर में एसी रूम में आप सो रहे हो और अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो उस रूम में किसी और को मत आने दो, जो भी आएगा उसको वायरस लग जाएगा. तो सबसे ज़्यादा ये एसी रूम से फैलता है. एसी रूम में हम हवा को अंदर अंदर फैलाते रहते हैं. रात भर में कोई भी आदमी इन्फेक्टेड है वो कम से कम 1 लाख वायरस निकाल देता है सांस के थ्रू. कोई इन्फेक्टेड आदमी है, लिफ्ट में जा रहा है, वो 1000-2000 वायरस छोड़ जाएगा लिफ्ट में. आप घुसेंगे आपको एकदम लग जाएगा. तो जब भी आप घर से बाहर रहें, डबल मास्क, लिफ्ट में सावधानी रखे, एसी कार में सावधानी रखे, और घर में एसी में रहे तो एसी की हवा को वेंटिलेट करके रखें. और जब आपको हो जाए तो 10 दिन तक आइसोलेट कर लो, ताकि दूसरे लोग बच जाए आपसे. 10 दिन बाद में ये वायरस मर जाता है, फिर कुछ नहीं करता.